जय माता दी दोस्तों, हमने जो डिस्टेंस कवर किया 675 किलोमीटर कवर किया था सिंगल डे में, और 20.2 की माइलेज हमारी गाड़ी ने दी थी। कटरा से टैंक फुल कराने के बाद हमने सोचा क्यों ना फेमस टूरिस्ट प्लेस पटन टॉप जाए, क्योंकि अपनी कार से आए तो इजी होगा जाना। और हम कटरा से बाहर निकल रहे हैं, ये कॉलोनी के पीछे से रास्ता निकल रहा है। ये शॉर्टकट रूट है जो कटरा से सीधा हाईवे से कनेक्ट करता है, और आप देख सकते हैं नज़ारे कितने बढ़िया है यहाँ पर। इस नज़ारे को देखकर सारी थकान दूर हो गई। फुल ऑफ ग्रीनरी है, अलग अलग तरह के पेड़ और स्लोप जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अब हम नीचे उतर आए हाइट से, और ये ब्रिज क्रॉस करके वापस हमें ऊपर की तरफ जाना है। बट ये जो रास्ते है, आप इस पर अगर स्पीड से चलाओगे तो इनजस्टिस होगा, क्योंकि रास्ते को एंजॉय करके ही हम इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मनमोहक नज़ारे हैं यहाँ पर, और हाइट देखिए कितनी, इतनी हाइट पे हमें चढ़ना है। ये रोड खाली है तो आप वैसे ओपन हो चलाने के लिए, बट कोशिश करो लेन में चलने की। और ये हम अब सेकंड ब्रिज क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स पटनी टॉप। अभी अगर यहाँ पे पानी होता बारिश के टाइम पर तो और अच्छे नज़ारे होते, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, तो आपको जगह जगह पर ऐसे चेक पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फुल कोऑपरेट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, क्योंकि माउंटेन एरिया में रोड पे टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट लो स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए और अपनी लेन में चलानी चाहिए, ताकि सडनली कोई अगर सामने से आए तो आप उसको कंट्रोल कर सको। अब हम श्रीनगर हाईवे के पास पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से लेफ्ट ले गए तो ये हमारा श्रीनगर हाईवे आ जाए, जिसपे हम पटनी टॉप जाएंगे, और इसी को अगर यूज़ करते हैं तो आगे हम श्रीनगर भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है, फोर लेन रोड है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे ट्रक्स का भी जाम रहता है। और सामने देखिए यहाँ पे कितने अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था कि इस रोड पर जगह जगह ट्रक खड़े मिलते हैं, अभी ये नज़ारे देख सकते हैं। और दूसरा ये ही चीज़ें आपको श्रीनगर तक जगह जगह देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हमें ओनली सिंगल लेन मिलती है चलाने के लिए, आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा हाईवे बना हुआ है ये, और उसका आप देख सकते हैं साइड में ग्रीनरी भी काफ़ी है, और आपको माउंटेन्स रेंज भी देखने को मिल जाती है, और कुछ माउंटेन रेंज पे तो स्नो भी थी, पता नहीं वो मिलेगी नहीं मिलेगी आगे। अभी यहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ है, उसका रीज़न जो देखा था शायद कुछ लैंडस्लाइड हो रही है, और वहाँ पे क्रेन की हेल्प से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। 6 मिनट का कंजेशन टाइम बताया है इसमें। अब हमने मेन श्रीनगर हाईवे से राइट में टर्न लिया है, ये पुराना श्रीनगर हाईवे है, और ये टर्न से जस्ट पहले राइट में टर्न जाता है। पहले इसी को यूज़ किया जाता था, इनफैक्ट ऑयल टैंकर वगैरह अभी भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि टर्न में उसको प्रोहिबिट है। और अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था, वहाँ भी हमें अच्छा खाना मिला था, और लोकल फूड था वो। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अब फोर लेन हाईवे नहीं है, अब ये सिंगल कैरिजवे है, और हमें ऊँचाई पर ही जाना है, तो ऊपर की तरफ ही हम बढ़ते चलेंगे, और इसी तरीके से सिंगल लेन की में हमें यूज़ करके आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए कितना अच्छा व्यू मिल रहा है, और दोनों तरफ काफ़ी घने पेड़ हैं। यही पेड़ जो हमें मूवीज़ में देखने को मिलते हैं, जो शूटिंग वाले में भी ऐसे एरिया में की जाती है, और काफ़ी अच्छे व्यू का नज़ारे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी तीसरी विजिट है पटनी टॉप पे, और फर्स्ट है जब हम खुद चला के आ रहे हैं। और आपको जब भी ऐसी जगह पे जाते हो तो आप अपनी मेमोरी रिकॉल करते हो कि हम कहाँ पे रुके थे, और जो लैंडमार्क है उस टाइम की मेमोरीज उसको याद करते हो, वो सब बहुत अच्छा लगता है, याद आता है। तो और ये देखिए कितने सारे ऑयल टैंकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसका रीज़न यही है कि क्योंकि ये इसी रोड को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर इनको निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं।
पटनीटॉप से जस्ट पहले ही एक बीच में एरिया आता है जहाँ पे काफ़ी सारे फूड ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा, एटीएम्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो रुकने का, खाने पीने का या कैश का। यहाँ पर रास्ते में कुछ गायें भी बैठी रहती है, तो अपनी और उनकी सेफ्टी के लिए आप आराम से चलाएं। और पीछे कोई एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें एक गाय मर गई थी। यहाँ से हम पैदल गए, यहाँ कहीं हमने पार्किंग बनाई थी, क्योंकि ये यहाँ से एक नीचे भी जाने का रास्ता है। यहाँ से पैदल गए थे जब स्नोफॉल हो रही थी। ये लेफ्ट में जाने का जो रास्ता है इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर साहब है वो उनको आना है आज, तो उस वजह से बंद किया हुआ है। और हमें राइट में मुड़ के फाइनली पटनीटॉप पहुँचने वाले हैं। और देखिए रास्ता और कंजेस्टेड हो गया है, बड़ी मुश्किल से पास दिया गया है यहाँ पर। ठीक ठाक है, पहले दिन है, पिछली बार तो तुमने जान नहीं दिया था। हाँ पिछली बार। और बर्फ मिलेगी थोड़ी बहुत खाने पीने को? भाई गुलमर्ग जाना पड़ेगा। हाँ तो फाइनली पहुंच गए हैं पटनीटॉप। पहले तो लग रहा था गाड़ियां नहीं आई होगी, लोग कम हो गए, लेकिन फिर भी काफी लोग आए हुए हैं। और जो नीचे ठंड थी, सॉरी जो नीचे गर्मी थी, यहाँ पे फिर भी थोड़ा ठंडा लग रहा है। ये अंदर का व्यू है और यहाँ पे हट्स भी बने हुए हैं, वहाँ पे नंबर लिखा है हट का, हट नंबर 2। तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। ये यहाँ पे कपड़े वगैरह मिल जाएंगे ट्रेडिशनल यहाँ का लोकल। ये फाउंटेन है, अभी तो बंद है। की चेन आप ले सकते हो। और देखिए काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये ग्रीन जो है, ग्रीन ग्रास ग्राउंड काफी अच्छा व्यू दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये स्कूल के बच्चे लग रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। ये आसपास का स्कूल है लोकल। ये फोटो के लिए है, बेच शायद सेल भी करते होंगे। ये है पटनीटॉप का मेन एरिया और यहाँ पे घास काफी अच्छी है। और ये बोल सब जगह है, ये बोल वहाँ भी थी खजियार में। यहाँ पे बटरफ्लाई बहुत है, देखो व्हाइट वाली भी है। लगभग एक घंटे हमने यहाँ पे इंजॉय किया, उसके बाद हम आगे निकल गए और बाकी के एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। और देखिए नज़ारे कितने अच्छे हैं। पटनीटॉप यहाँ का लोकल फेमस पिकनिक और कैंपिंग स्पॉट है, जहाँ पे लोग वीकेंड पे आकर इंजॉय करना पसंद करते हैं। बहुत सारे से लोग देखिए जो यहाँ पे खुद कुकिंग कर रहे थे। ये 360 डिग्री व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ सुन सकते होगे। तो लोगों ने अच्छी म्यूज़िक चलाकर एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
और वादे देखिए, पेड़ देखिए कितने अच्छे घने यहाँ पर है। क्या भैया अब हम जा रहे हैं फेमस नाग देवता मंदिर, और ये देखिए दिल्ली की कार है, और इस तरीके से लोग बीच में कहीं भी रोक देते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, पूछना है, आप साइड में लगा के पूछ सकते हो, किसी का रास्ता मत ब्लॉक करो प्लीज़। लोग गाड़ी तो ले लेते हैं पर पार्किंग सेंस बिल्कुल नहीं होता। अभी देखिए इवन वाले ने कहाँ पर लगाई है, बिल्कुल ही रास्ता रोक दिया है, लेफ्ट में नाली है, उसमें गिर सकती गाड़ी। अच्छा ये हॉर्स राइडिंग करा रहा है, लोगों को छुट्टियाँ बनाने का भैया। हाँ सॉरी बच्चा है साथ में। माउंटेन ग्रीनरी क्लियर स्काई, ये कॉम्बिनेशन बस यही मिलता है देखने को ऐसे पहाड़ी एरिया पे, और जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये नाग मंदिर का रास्ता है, 800 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं। एक बार पहले भी आया है लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा है, लो भी बनाई हुई है। और यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट की दुकान। एक्चुअली मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, कुछ लोग बना रहे थे लेकिन अगर कहीं भी मना किया हुआ है तो प्लीज़ वहाँ पे वीडियो ना बनाएं, और जो वहाँ की मान्यता है उनका पालन करें। बेटा ये पहाड़ों की रानी है, यहाँ से चलती है यहाँ पे। पहाड़ों की रानी बुलेरो है बेटा, लेह में भी यही छोड़ती। लेह में क्या कहीं भी है ना बर्फ में, बाकी बड़ी से बड़ी गाड़ी तो जाती है ऐसे जाती मक्खन ही तरह। मनाली वगैरह बहुत वीडियो आई हुई है। ये पटनी टॉप के रास्ते में हमें एक लोकेशन में जिसमें कि छोटा सा एयरक्राफ्ट रखा हुआ है, इस पर वेल्डिंग का काम चल रहा है, हो ना हो शायद ये रेस्टोरेंट बनेगा। ये कोई पुराना जहाज है, इसे VT भी लिखा हुआ है, तो इस पर ये स्क्रैप लेके आके रेस्टोरेंट बनाया जाता है आजकल।